कहते हैं उसे। अरे तुमको क्या काम है मौसी, तुम्हारी बिटिया तो गई है तुम्हारी मौसी के यहाँ और तुम्हारा भाई गया है गोलागंज। यह हमारे पति और हमारे बच्चों की हमका सेवा करनी पड़ती है। हाँ सुनो सुनो सुनो, पति से याद आया हमको, तुम्हारा पति मुकुंदी तुम्हारे लिए पिया की प्यारी लाया कि नहीं? ए मौसी का है आ? पूछ रही हो कि चिढ़ा रही हो? चिढ़ा रही हो कि चढ़ा रही हो? चढ़ा रही हो कि सुना रही हो? ना ना, सुना रही हो कि जला रही हो? जला रही हो कि तपा रही हो? ऐसा हो जाओ, हम कहाँ चिढ़ाएंगे, हम बस पूछ रहे हैं। ना ही लाया है पिया की प्यारी है? ना ही, चुकु के पापा हमरे लिए पिया की प्यारी साड़ी ना ही लाए, पड़ गई कलेजे में ठंडा खा। ना ना, घुल गया गुलकंद, अब बाजी करो बंद। साथ हो जा, का हो गया है इंदुमति? ओहो, हम प्रेम के बीज बो रहे हैं, तुम हो कि बबूल उखाड़ रहे हो, ये का बात हुई है? अरे सब समझते हैं मौसी। हाँ समझती हो बेटा। अरे सब समझते हैं हम भी। चिल्ला रही का हो गया है मौसी, दोनों का गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? हाँ देखो ये चिल्ला रही है तुम्हारी बहन इंदुमति। हाँ देखो, हम पर ऐसे ही लाल पीली हो रही है। अब मुकुंदी इसके लिए लाल साड़ी नहीं लाया है ना पीली लाया है, है? हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे जैसे तुम्हें पूछ रहे हैं। ऐ ललन जी, लाए क्या पिया की प्यारी? या वो भी नहीं लाया है मुकुंदी की तरह? अरे मौसी, ललन जी साड़ी का शिकोहाबाद लाए कि नहीं, वो छोड़ो। कहे तुम ही बताओ कि तुम्हारे वो दामाद बीजी पांडे वो सुरीली के लिए पिया की प्यारी साड़ी लेकर आए कि नहीं? अरे बीजी पांडे साड़ी लाएगा हमारे सिंघट्टे से? है? उसके बस की नहीं है साड़ी वाड़ी लाना। आज ने तो बेफ्राम कानपुर है, चुपी रहो। बीजी पांडे नहीं लाए तो क्या हो गया है? ये तो बताओ, तुम्हारे गुड्डू जी लाए हैं क्या पिया की प्यारी? बात कर रही है, ये देखो देखो मिर्चा कितनी चुप खड़ी है, है? खिला खिला मुंह लेके। हाँ हमें पता है, सुत्ती लाया है, खरीदवा के दिया है पिया की प्यारी। अरे मौसी, नहीं खरीद के दिया है तो क्या हुआ, खरीद के दे देंगे। और वैसे भी जब तक हमरे समोसा खरीद के नहीं देंगे ना साड़ी, तब तक तुमको क्या लगता है हम चुप बैठने वाले हैं? नहीं बेटा, खरीद हो है तो हम भी कहाँ चुप बैठने वाले हैं? हम भी चुकू के पापा से पिया की प्यारी साड़ी खरीदवाएंगे ही। हम भी लालगंज के पहलवान लाल सिंह की बिटिया है। हाँ हाँ देखो, तो तुम भी सुन लो इंदु, तुम भी सुन लो मौसी। हाँ, तुम दोनों भी सुन लो, हमारे लल्लन जी ने तो हमसे कह दिया है चाहे कोई और साड़ी खरीद के इटावा से इलाहाबाद और हैदराबाद से सिकंदराबाद हो जाए, लेकिन वो हमको पिया की प्यारी साड़ी दिला कर ही रहेंगे। हाँ हमारे सिंघट्टे से। अरे काहे झूठ बोल रही हो लल्लाइन, सबके पति गुड्डू जी जैसे नहीं होते लो, जो अपनी पत्नी का दुखी ना देख सके। हाँ तो हम झूठ का झारखंड और तुम सच का बुंदेलखंड। हाँ क्या बोल रही हो, सोच समझ कर बोला करो, ऐसे ही शुरू हो जाती हो तुम। होगी दुनिया दुबे फ्रॉम कानपुर, लेकिन हम भी कोई कम नहीं है, पीडब्ल्यूडी वाले हैं। एलिजा
ये सही नहीं हो रहा है। आपस में हमेशा प्रेम प्यार से रहने वाली ये सब नारी लड़ रही है जिसकी जड़ है वो साड़ी, जिसका नाम है पिया की प्यारी। हाँ चौरसिया, समझ में नहीं आ रहेंगे कि ये साड़ी हेंगी कि पहाड़ी हेंगी जिस पर हर कोई चढ़ना चाहता हेंगे, लेकिन हम पता करके रहेंगे कि ये कौन सी संक्रामक साड़ी हेंगी जिससे फैली ये बीमारी हेंगी। बिजी 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 पांडे। आप बिजी हैं? जी हम बिजी हैं। और पांडे भी? जी हाँ हम बिजी भी हैं, पांडे भी हैं। पापा कसम जल्दी बताइए क्या काम है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत खराब है। क्या आपका दिमाग खराब है? फिर बेकार ही हम आपके पास में आ गए। तो गुरु एक काम करो, चौड़ा मोहल्ला पतली गली पकड़ के निकल लो, समझे? लगता है अपने केस के लिए दूसरा वकील ढूंढना पड़ेगा। है? अरे एक सेकंड, बड़े भाई पापा कसम ऐसा हो सकता है क्या कि बिजी पांडे के होते हुए आपका केस कोई और लड़े? अरे भाई ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी ना कि आप केस देने आए हैं। लेकिन आप तो... अरे लेकिन छोड़िए सर, ये तो हमारी आदत है। देखिए इतने सारे लोग हमारे पास आते हैं कहने के लिए कि बिजी हमारा केस लड़ लो, हमारा केस लड़ लो, हमारा केस लड़ लो, तो ये हमारी आदत ही बन गई है। भाई हमें थोड़ा दूर रहना होता है ना, इसलिए अब हमने आपको देखा है, आप थोड़े शरीफ टाइप इंसान लगे, तो हमने सोचा कि आपका केस हम लड़ लेते हैं। उससे पहले हमारी फीस, हमारा कहने का मतलब एडवांस दे दीजिए। देखिए पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस एक केस जीतना है। आपको केस की चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको एडवांस देना है। हाँ तो 1000 रुपया। 1000 रुपए? क्यों कम है? ये लो 1000 रुपया और। 2000 रुपए? इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। अब बारे बड़ा सर जी, इससे ज्यादा हमको मिल भी नहीं सकता। अब हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए ऐसा है कि जब हम केस लेते हैं ना, तो कम से कम शुरू की जो फीस है एडवांस, वो हम 5000 रुपए लेते हैं। लेकिन आपको हमने देखा तो आप थोड़े शरीफ टाइप हमें लगे, तो हमने सोचा कि हम आपके 2000 रुपए लेंगे। ओके तो केस ये है कि... अरे बड़े भाई काहे पन्ने पलट रहे हो, इतनी गर्मी हो रही है, केस शाम को आराम से आना, बैठेंगे दोनों बैठ के डिस्कस करेंगे, अभी पतली गली से निकल लो। अरे लेकिन हमने अभी तो केस आपको बताया। देखिए ऐसा है शरीफुद्दीन साहब, हम कुछ अलग टाइप के वकील हैं, यानी कि ब्रेव इंटेलिजेंट वकील। पहले हम ये सोचते हैं कि केस क्या हो सकता है, फिर ये सुनेंगे कि केस क्या है। अभी आप निकल लीजिए प्लीज। आप वाकई में बहुत महान वकील लगते हैं। रियली आप भी पापा कसम बहुत महान इंसान लगते हैं, इसीलिए अब आप चले जाइए। बजरंगबली, आपके आशीर्वाद से 2000 रुपए का इंतजाम हो चुका है। अब हम जल्दी से डीपली घुस के जाएंगे, सुरीली के लिए पिया की प्यारी साड़ी खरीद के लाएंगे और उसको खुश कर जाएंगे। भैया कुछ कहा बजरंगबली? भैया हमने कहा। अबे पापा कसम तुम्हारे फेस में 12 क्यों बजे हुए यार? भैया फेस पर क्या, अब तो जिंदगी में 12 बजने वाले हैं, क्योंकि कहीं से भी 1000 रुपए का इंतजाम नहीं हो पा रहा है भैया। अब यार गुड्डू पापा कसम हमारे होते हुए टेंशन क्यों ले रहे हो बड़े भाई? ये देखो, आहा, इसमें से 1000 तुम रख लो। भैया आपने अपने पापा की जेब से फिर से पैसे निकाले? अबे देंगे कंटा, पापा की जेब से नहीं चुराए बे, अबे हम कमाने लगे गुड्डू, हमको केस मिला है तो ये 2000 रुपए एडवांस मिले उसके बे। 1000 रुपए तुम रख लो, 1000 रुपए हम रख लेते हैं। ओके लेकिन भैया। अबे लेकिन छोड़ो, पापा कसम गुड्डू आज तक तुम हमारा खर्चा उठाते चले आए हो, आज हम उठा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है बे? और ऐसा हो सकता है गुड्डू कि हमारी पत्नी बने पिया की प्यारी और सुताई करे पत्नी तुम्हारी, इसलिए अब हम दोनों चलते हैं और लेते हैं साड़ी बारी बारी। ओके जल्दी से जाओ और साइकिल लेके आओ गुड्डू। बजरंगबली वंस अगेन थैंक यू सो मच, अब जा रहे हैं गुड्डू के साथ, तो साड़ी लेकर आते हैं। आ जा बे। थैंक यू माय प्लेजर। अरे ललन जी मुबारक हो। अरे इस बार तो ये महीने की तनख्वाह आपकी 2 दिन के भीतर आ जाएगी, अब की बार कहाँ खरीदेंगे? वॉशिंग मशीन। अरे चुप रहिए मिश्रा जी, अब तो हमने कान पकड़ लिया है, अपने घर को धोबी घाट थोड़ी ना बनाना है जो वॉशिंग मशीन खरीद के लाए। अरे फिर से पूरे का पूरे लापतागंज हमारे घर में कपड़ा धोने आ जाएगा। तो काम करिएगा ललन जी, अब की बार ना भाभी जी के लिए कुछ खरीद लीजिएगा। ललन जी। अरे खरीदना तो है, वो भी 1000 रुपए की साड़ी, पर अगर अपने जमा पूंजी में से 1000 रुपए निकालेंगे तो बैंक से इंटरेस्ट कम मिलेगा, पर साड़ी तो आज ही लेनी पड़ेगी।
का करें। हाँ, काहे ना हम मिश्रा जी से ही उधार ले ले, ताकि हमें अपनी जमा पूंजी भी खर्चनी नहीं पड़ेगी और हम मिश्रा जी को धीरे धीरे चुका देंगे। हाँ। अरे लल्लन जी, अरे भाभी जी का नाम सुन के इतनी गहरी सोच में कहाँ डूब गए हैं? हाँ? कुछ बोलिए का नहीं कहा? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे लल्लन जी, तो हम कह रहे हैं ना, बोलिए। हाँ आप बोलते हैं। हाँ क्या हुआ, बैठिए। अब हम आपसे क्या कहें मिश्रा जी, खरीदनी तो है हमको बिंदुमती के लिए एक ठो साड़ी, पर वो है बहुत महंगी। अब मुसीबत ये है कि हमको आज ही खरीदनी है, नहीं तो कल रात की तरह हमको आज रात भी बाहर ही सोना पड़ेगा। और आप तो समझ सकते हैं ना पत्नियों का गुस्सा। हाँ लल्लन जी, हम समझ सकते हैं। अरे कितनी रातें हमने खुद बाहर काटी हैं। लल्लन जी, उन अंधेरी भयानक रातों में मच्छरों का एक एक डंक पत्नी को गुस्सा ना दिलाने की कसम खिलाता है। लल्लन जी, आप बताइए, हम आपका ये अपार कष्ट कैसे दूर कर सकते हैं, बताइए। अब किस मुंह से कहें? अरे यही मुंह से कहिए ना। ठीक है, आप इतना जोर दे ही रहे हैं तो हमको 1,000 रुपया उधार दे दीजिए ना, तनख्वाह मिलते ही चुका देंगे। लल्लन जी, 1,000 रुपया? मिश्रा जी, याद कीजिए वो भयानक मच्छरों से भरी रातें और उन मच्छरों का हर डंक जो आपको आपकी बीवी को गुस्सा ना दिलाने की कसम खिलाता रहा है। तो आप चाहते कि हमारे साथ भी ऐसा ही? बस करिए लल्लन जी, बस करिए। रुलाएंगे क्या? आखिर एक पीड़ित पति दूसरे पीड़ित पति का दर्द नहीं समझेगा तो कौन समझेगा लल्लन जी? तो निकालिए ना 1,000 रुपया। हजार? हाँ। मिश्रा जी, जी तनख्वाह मिलते ही हम आपका पैसा आपको लौटा देंगे। भगवान आपको मच्छरों के काटने से बचाए है। धन्यवाद। हे प्रभु, लल्लन जी की गृहस्थी की रक्षा करना। अरे का हुआ बहनो जी, का हुआ? अब तुम अपना काम करो। अरे आए हैं, का हुआ? कहां से आएंगे पैसे? अगर मिर्चा को साड़ी नहीं दिलाई तो वो धूप में हमें साड़ी की जगह टांग के सुखा देगी। धमकी देकर गई है कि मसाला कहीं होगा और समोसा कहीं। का बात है जी सुतीलाल, तुम एकदम बनियन से पैजामा क्यों लग रहे हैंगे? अरे का बताएं एलिजा, अब तुमसे कोई बात तो छिपी नहीं है। अरे मिर्चा ने धमकी दी है कि अगर साड़ी लाके नहीं दी तो वो हमारी हड्डी पसली एक कर देगी। हाँ तो दिला दो ना सुतीलाल, मिर्चा भाभी को साड़ी। अरे पर वो 1,000 रुपए की साड़ी है, वो दिलाना कोई सरौते से सुपारी काटने जैसा नहीं है कि दिला दे। तो फिर हड्डी पसली तोड़वा लो। अरे एलिजा चौरसिया, तुम दोनों हमारे सच्चे दोस्त हो, अब हमारी सहायता करने की जगह तुम दोनों हमारा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं नहीं सुतीलाल, हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे हैंगे, बल्कि हम भी यही सोच रहेंगे कि क्या किया जाए। हाँ 1,000 का इंतजाम होना जरूरी है। 500 रुपए तक तो खर्च हम कर सकते हैं, लेकिन बाकी 500 कहाँ से आएंगे? एलिजा चौरसिया, कहते हैं मुसीबत में दोस्त ही दोस्त के काम आता है, और आज ये बात सच होने जा रही है। का तुम्हारा का मतलब हैंगे? हमारा कहने का मतलब ये है
कि तुम दोनों का उधार मिला के अब 500 से ज्यादा है। अब तुम दोनों ऐसी मुसीबत में अपना अपना उधार चुका दोगे तो हमारी सहायता हो जाएगी। अरे लेकिन वो अब ना मत करना, हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है, बहुत बड़ा बवाल है। अब दोस्त होके दोस्त के काम नहीं आओगे का? हाँ सुत्तीलाल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हैंगे कि मुसीबत के समय जो दोस्त काम आए वही सच्चा दोस्त हैंगे और हम तुम्हारे सच्चे दोस्त हैंगे, इसीलिए हम तुम्हारा उधार चुका देंगे। और हम भी चुका देंगे। हाँ। लेकिन कब? कल, कल तक हम पैसे का इंतजाम करके उधार चुका देंगे। हाँ, हमें भी कल 3 सलवार सूट सिलने के पैसे मिलने वाले हैंगे और हम भी चुका देंगे। अभी हम चलते हैंगे सूट सिलने। चलो मुकुंदी बाबू, ये जो नए खाते हैं ना, मुकुंदी बाबू, मुकुंदी बाबू, कही तिवारी जी आपने कुछ कहा? मुकुंदी बाबू, सुबह से देख रहे हैं कि आप दफ्तर में होते हुए भी दफ्तर में नहीं है, बोलिए ना क्या बात है? वो कहा है ना तिवारी जी, हमारी धर्म पत्नी ने एक ठो साड़ी पसंद कर ली है। मुकुंदी बाबू, आपकी शादी को कितने साल हो गए? यही कोई 11 साल हुए हैं हमें शहीद हुए। तो ही इन 11 सालों में ये साड़ी खरीदने जैसी दुर्घटना तो आपके साथ कई बार घटी होगी, लेकिन आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे आपकी पत्नी ने पहली बार कोई साड़ी पसंद की हो। तिवारी जी आप समझ नहीं रहे हैं। का समझ नहीं रहे हैं? यहाँ पूरा देश बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान है और आप एक साड़ी को लेकर चिंतित हैं। तिवारी जी वो मामूली साड़ी नहीं है, वो पिया की प्यारी साड़ी है जिसकी कीमत 1000 रुपए है और जिसके लिए पत्नी ने आंदोलन कर रखा है, जबकि अभी तो हमारी तनख्वाह भी नहीं मिली है। हम अन्ना हजारे के आदर्शों पर चलने वाले 1000 रुपए की साड़ी कैसे खरीद सकते हैं? एक काम करते हैं, हम आपको पैसे दे देते हैं। आप तो जानते हैं तिवारी जी, हम उधार लेकर अपना उद्धार नहीं करना चाहते। मुकुंदी बाबू भाई, तब तो एक ही रास्ता है। आमतौर पे लोग पहले ओवरटाइम करते हैं, बाद में ओवरटाइम के पैसे मिलते हैं। हम बड़े बाबू से बात करके ओवरटाइम के पैसे पहले आपको दिलवा देंगे, ओवरटाइम आप बाद में कर लीजिएगा। ये आप ही के काम का पैसा होगा जो आप ओवरटाइम करके चुकाएंगे। अब तो ठीक है? अरे मुकुंदी बाबू सोचिए मत, ये आप ही के पैसे होंगे। हम बड़े बाबू से बात करके आपको 1000 रुपए दिलवाते हैं, ठीक है? ये लीजिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।